हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। माय नेम इज शुभम शर्मा। तो अभी मेरे पास है ये कैमरा, ये है कैनन M50 Mark II और ये एक मिररलेस कैमरा है। तो ये मैंने अराउंड 2 साल पहले ले लिया था, लेकिन इसके लेंसेज मैंने अब तक नहीं लिए हैं। तो इसमें EOS M लेंसेज लगते हैं, जो कि थोड़े मतलब एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन इसमें DSLR के सिंपल लेंस भी लग जाते हैं, EF लेंसेज। लेकिन उसके लिए हमें माउंट अडेप्टर खरीदना पड़ता है, तो वो माउंट एडप्टर भी मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव सा है, कैनन का ही अराउंड 8-8.5 हज़ार का है वो भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका आज एक माउंट एडप्टर भी ले आऊँ और साथ में उसका एक लेंस भी ले आऊँ। तो देखते हैं कि कैसी क्वालिटी आती है वो लगाने के बाद। वैसे इसका जो प्राइमरी लेंस है उससे भी मतलब मैंने काफ़ी फोटोज वगैरह खींची है, मतलब ठीक डिसेंट क्वालिटी आती है, बट देखते हैं कि लेंसेज लगाने के बाद, लेंसेज चेंज करने के बाद इसका क्वालिटी कैसा आता है। तो चलिए इसका लेंस लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। तो लेंस ले लिया है मैंने और अभी मैं यहाँ पे हूँ जूस कॉर्नर पे। घर जाके देखेंगे क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो काफी दिन से बाहर का खा रहा हूँ, सोच रहा हूँ अब से थोड़ा हेल्दी खाना ही शुरू करता हूँ, इसलिए मैं जूस कॉर्नर पे आ गया था। तो चलिए जूस पीते हैं। फाइनली मैं अपने कैमरे के लिए अपने लेंस का अडेप्टर ले आया हूँ, जो कि कैनन ब्रांड का है, और इसका लेंस भी ले आया हूँ जो कि 50mm का EF लेंस है। तो जब भी आपको अगर मिररलेस कैमरे में DSLR के EF लेंस लगाने हैं, तो उसके लिए हमें माउंट अडेप्टर की नीड होती है। सबसे पहले तो ये अडेप्टर लगता है इसमें, इस तरीके से, और फिर ये इसमें लेंस कनेक्ट होता है। क्या बात है। तो अगर फोटोग्राफी की बात करी जाए तो ये 50mm का लेंस मतलब बेस्ट लेंस है। अगर आप लोगों को मतलब बैकग्राउंड ब्लर चाहिए और लो लाइट कंडीशन में आपको फोटोग्राफी करनी है ना, तो मतलब बेस्ट लेंस है ये 50mm का, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो अभी इनका ऑनलाइन प्राइस, कैनन का अडेप्टर का सॉरी, और इसका लेंस का 50mm के लेंस का, ये अडेप्टर आपको पड़ेगा अराउंड 8200 समथिंग का, और ये लेंस 50mm का लेंस आपको पड़ेगा 9990 रुपीज का। अभी इसके रिसेंट प्राइस बता रहा हूँ, ये मैं आपको अमेजन के, तो ये इसके प्राइसेस हैं। तो चलिए बाकी चलते हैं छत पे और अपनी कैट्स का फोटो शूट करते हैं, तो मज़ा आएगा, देखते हैं कैसी फोटोज आती है। तो अभी मौसम भी बढ़िया हो रहा है और अभी ये छोटू ही दिख रहा है मुझे, तो आओ इसकी थोड़ी बहुत फोटोज खींचते हैं और देखते हैं कैसा लगेगा ये। ओ किट्टू खयारी। तो अभी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची मैंने इनकी, तो ये मैं अपने इंस्टाग्राम में भी अपलोड करूँगा, लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देखिएगा। तो फोटो क्लिक्स कर ली है और अभी मैं अपने रूम पे आ गया हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था ये लेंस परचेस करने का और इसका अडेप्टर परचेस करने का, बट ये है ना कि कोई रीज़न नहीं था। अब तो मैं रेगुलर बेसिस पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ और फोटोज़ वगैरह मतलब खींच लेता हूँ, तो मैंने ये ले लिया लेंस। ऐसे करके धीरे धीरे करके अपग्रेड करते रहेंगे चीज़ों को। मुझे वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ा अपग्रेड करना है, क्योंकि अभी तो मैं अपने फ़ोन से व्लॉगिंग करता हूँ और इस लेंस से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा दूर रखना पड़ता है इस लेंस को और इसमें जूम इन जूम आउट नहीं होता, क्योंकि 50mm है तो 50 ही रहता है वो, तो इसलिए
व्लॉगिंग के लिए एक दूसरा लेंस आता है 10-18 mm का, वो वाइड एंगल लेंस होता है, तो उससे अच्छी तरीके से व्लॉगिंग हो जाती है। देखते हैं धीरे धीरे वो भी ले लेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।